शिवसेना नेता संजय राउत आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार संजय राउत अपने बयानों को लेकर बुरे फंसते दिख रहे हैं। इंडियन बार एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका के पीछे मुख्य वजह न्यायाधीशों और न्यायपालिका पर आरोप को लेकर की गई है। याचिका में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और सामना की संपादक रश्मि ठाकरे को भी प्रतिवादी बनाया गया। इंडियन बार एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि याचिका दायर करने के पीछे मुख्य कारण ये है कि संजय राउत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और पूरी न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाया था। दरअसल संजय राउत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में BJP नेता किरीट सोमैया को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत दिए जाने के मामले में टिप्पणी की थी और किरीट सोमैया को राहत देने में पक्षपातपूर्ण करने का आरोप लगाया था। संजय राउत ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि एक तरफ अदालतों ने BJP से जुड़े लोगों को राहत दी, लेकिन शिवसेना और NCP ने आरोपियों को राहत नहीं दी है। साथ ही उन्होंने जेल में बंद मंत्रियों नवाब मलिक और अनिल देशमुख को लेकर न्यायपालिका के रुख पर पक्षपात का आरोप भी लगाया था। बता दें कि इससे पहले पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में ED ने 5 अप्रैल को शिवसेना नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्क कर ली थी। इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने राउत के अलीबाग स्थित 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क किया था। बहरहाल अब संजय राउत के बयान पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुनवाई कब तक होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।